हेलो दोस्तों, कैसे हो यार सब। आई होप कि सब बढ़िया होगा। तो यार तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। तो यार जब तुम इस वीडियो पर क्लिक कर ही चुके हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आओ यार चलते हैं हम अपने गेम की तरफ। इस गेम में भी मैं बस स्टेशन की तरफ ही जाता हूँ और यहाँ जंप करते ही क्या होता है यार एक बार तुम लोग देखो। तो भाई लोग जैसे ही मैं यहाँ से गन उठाता हूँ कि तुरंत मेरे सामने ये बंदा आ जाता है। अरे ये मेरे सामने पीठ करके खड़ा होता है जिसको मारने में मुझे कोई उतनी परेशानी नहीं होती है, काफ़ी इजीली मारा जाता है ये। इसको फिनिश करके मैं इसको लूट के थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो यार ये सामने से अचानक फिर से बंदा आता है और इस ये मेरे को फायर करता है। बट यार इसको मारने के लिए मुझे अपना शील्ड ओपन करना पड़ता है जिसकी वजह से ये पूरा अंधा हो जाता है और मुझे इसको नॉक करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है और ये भी फिनिश हो जाता है। इतने में थर्ड बंदे की भी फुटस्टेप आ रही होती है और वो भी मुझे स्पॉट हो जाता है। तो उसको यार इस खिड़की से ही हिप फायर दे के नॉक फिनिश कर देता हूँ मैं। भाई लोग यार पिछले वीडियो के कमेंट में काफ़ी बंदों ने मुझसे बोला था पबजी मोबाइल खेलने के लिए, बट यार अभी पबजी मोबाइल बैन है। जैसे ही अनबैन होती है मैं वो गेम भी खेलूँगा। तो यार तुम लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ पबजी मोबाइल के आते ही मैं उसमें आरपी गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम लोग यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और, अगर तुम लोगों को COD मोबाइल का भी बैटल पास का गिव अवे चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो यार इस बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ बट ये मेरे पे फ्लैश कर देता है। हालांकि ये बॉट होता है, पता नहीं बॉट लोग सब पे फ्लैश ही क्यों करते रहते हैं। अंधा कर दिया था इसने मुझे, इसलिए गुस्से में मुझे इसको फिनिश करना पड़ा। तो आओ यार हम अपने गेम प्ले में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इस वेयर हाउस के पास आता हूँ मुझे ये बंदा भागता हुआ दिखता है। अब इसको मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ बट ये अंदर घुस जाता है। फिर मैं इसको फॉलो करके दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ। देखो यार तुम लोग ये भी मतलब काफ़ी ईजिली फिनिश हो गया, लगता है सोलो खेल रहा था। एक बार फिर से याद दिला दूं भाई लोग, अगर तुम लोगों को COD का भी बैटल पास का गिव अवे चाहिए तो बता देना यार कमेंट में। तो यार ये देखो ये बंदा मुझे पेड़ के पास मिलता है, उसको भी इजीली नॉक फिनिश कर देता हूँ मैं। थंडर जेब्रा, ये जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस हो गया। चलो यार हम इस आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो यार मैं ये गाड़ी लेकर के जैसे ही निकलने वाला होता हूँ तो मेरे पिटने में फायर होता है, मैं उस फायर की तरफ जाता हूँ। बट यार अनएक्सपेक्टेड दो बंदे देख के मेरी फट जाती है बिल्कुल। मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे कूद करके एक को तो नॉक करता हूँ बट यार यहाँ पे तीसरी जगह से भी मुझे पड़ने लगती है। बट ये दूसरा बंदा इतना चूतिया होता है, ये दूसरे तीसरे बंदे से फाइट लेने लगता है मुझे छोड़ के। बट यार जैसे तैसे मैं उसको भी फिनिश कर देता हूँ और तीसरा बंदा मेरे पास आ जाता है। मेरे को हील लगाने का भी टाइम नहीं मिलता और ये बंदा बिल्कुल मेरे सामने आ जाता है। इसको भी मैं बड़ी मुश्किल से फिनिश कर पाता हूँ, मेरा गन भी रिलोड पे चला जाता है यहाँ पे दो। और इसको फिनिश करके यार मैं हील लगाने की कोशिश करता हूँ कि चौथा बंदा भी आ जाता है यहाँ पे। हालांकि मैं यहाँ पे हील लगाने में कामयाब होता हूँ इसलिए मैं इस बंदे को फिनिश कर पाता हूँ। इस पर मैं पूरा फायर करता हूँ, फिर मैं शील्ड ओपन करके इसको बिल्कुल अंधा कर देता हूँ। अंधों को मारने में एक अलग ही मज़ा है, मतलब क्या जानो भाई। भाई लोग यार इस भसर से बहुत मुश्किल से बचता हूँ मैं और इस भसर को पूरी तरीके से कंप्लीट करके मैं यहाँ से ये गाड़ी लेकर के निकल जाता हूँ। तो यार अब आगे देखो, इस गाड़ी से मैं जैसे ही इस ड्रॉप के पास पहुँचता हूँ तो बहुत गंदा वाला भसर मचता है यार यहाँ पे भी। देखो यार तुम लोग, ये ड्रॉप पे मुझे ये दो बंदे स्पॉट होते हैं। हालांकि मैं इनमें से एक पे फायर करता हूँ, ये अपना पावर यूज़ करके यहाँ से भाग जाता है। और फिर ये बंदा आता है, इसको तो मैं बड़ी इजीली नॉक कर देता हूँ और इसका एक टीममेट भी मेरे पे रश करता है तुरंत। यार इसका टीममेट बिल्कुल ही अंधा रश करता है इसलिए मुझे इसको भी नॉक करने में कोई मुश्किल नहीं होती। हालांकि ये मुझे सिर्फ 8 HP छोड़ता है यार, मतलब 8 HP बचाऊ मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से। बंदे को फिनिश करके मैं इस खंडर के पास आता हूँ, खंडर में मुझे एक बंदा दिखता है, मैं इसको नॉक कर देता हूँ।
इसको फिनिश करने के बाद मुझे बाहर से गोली चलने की आवाज़ आ रही होती है। तो यार मैं हील लगाने के बाद उस तरफ जाता हूँ। जैसे ही मेरी हीलिंग कंप्लीट होती है तो मैं उस फायर के आवाज़ की तरफ जाता हूँ और यहाँ पर दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं। हालांकि इन दोनों में से एक को तो मैं बिल्कुल नॉक फिनिश कर देता हूँ, बट यार ये दूसरा बंदा काफ़ी डैमेज दे देता है। यार मैं जैसे ही इस पर फायर करता हूँ ये बंदा नेड निकाल के चलता है। ये नॉक तो हो जाता है बट खुद पर ही नेड मार लेता है ये। इस बंदे को भी फिनिश करके यार मेरे 16 किल हो गए थे यहाँ पे। यार भाई लोग तुम लोग बता दो यार, यहाँ पे इतने सारे क्लचेस किए इस मैच में, कैसा लगा हो? और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो यार इस घर में भी एक बंदा मुझे स्पॉट होता है और मैं इस पर फायर करता हूँ, इसको एक बुलेट ही हिट होती है और ये मर जाता है। यहाँ पे यार 16 बंदे अलाइव थे, मुझे लगा था मैं इजिली 20 किल क्रॉस कर जाऊँगा, बट यार सारे बंदे जोन से ही मर जाते हैं। ये इकलौता बंदा मेरे हाथ लगता है और इसको भी उतनी कुछ परेशानी नहीं होती है नॉक करने में मुझे। इसको फिनिश करने के बाद यार मैं आगे बढ़ता हूँ। यार अभी लास्ट बंदा बचा था, इसको मारने में हालांकि इतनी कुछ परेशानी नहीं हुई और काफ़ी इजी विन था ये मेरे लिए इस मैच में। तो भाई लोग अगर तुम लोगों को ये गेम प्ले वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलते हैं अगले गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।